मात्र वस्तुएं। ये एल्बर्टो मोराविया की लिखी हुई एक इलावती कहानी है। गली बुरी भी नहीं थी, बहुत सुंदर भी नहीं थी। दोनों ओर बादामी रंग के मकान थे। कीरो और लिविया इस गली में मकान की तलाश में आए थे। उनका विवाह होने वाला था और वे चाहते थे किसी एकांत सी गली में वे अपने लिए एक मकान ढूंढ ले। ये बड़ी एकांत गली थी। लिविया बड़ी उत्सुकता से एक इमारत के सामने खड़ी हो गई। कीरो को लगा कि लिविया का उत्साह आवश्यकता से अधिक था। उसने लिविया का हाथ अपने हाथ में दबा लिया और पूछा, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि इस गली में कोई मकान किराए के लिए खाली है? मैंने सवेरे कितनी ही गलियां देखी, ये गली मुझे अच्छी नहीं लगी। इस मकान के बाहर किराए के लिए खाली की तख्ती लगी हुई थी। तुमने ऊपर जाकर इसके कमरे देखे हैं? नहीं, सिर्फ चौकीदार से पूछा था और उसने बताया था कि 2 बजे से लेकर 4 बजे के बीच हम ये मकान देख सकते हैं। कीरो ने देखा दरवाजे के बाहर जो नाम लिखा हुआ है वो इपोलिटो है। ये भला क्या नाम हुआ? कीरो ने कुछ सोचते हुए कहा। हमें क्या, किसी का नाम होगा, लिविया ने लापरवाही से उत्तर दिया। लेकिन ये एक बड़ा अधूरा सा नाम है। आखिर वो आदमी डॉक्टर, वकील, व्यापारी कुछ तो होगा, कुछ भी तो नहीं लिखा है। लिविया ने लापरवाही से पहले नाम की ओर देखा, फिर घंटी की ओर। कीरो के मन में ईर्ष्या किसी एक चीज सी लहरा उठी। लिविया का पतला मुंह, बड़ी बड़ी आंखें और लाल होंठ कीरो के मन में बेचैनी पैदा कर रहे थे। लिविया को दुनिया की आंखों में से छुपा लेने की, जल्दी से चुका लेने की तीव्र इच्छा उसके मन में पैदा हो गई। मुझे एक बार अपने होंठ चूम लेने दो, कीरो ने बेसब्रा सा होकर कहा। नहीं, इस वक्त नहीं, लिविया ने कहा और अपना हाथ घंटी की तरफ बढ़ा दिया। एक बार, कीरो ने कहा और लिविया को अपनी ओर खींच लिया। लिविया ने बांह को जरा सा झटक कर घंटी का बटन दबा दिया, पर कीरो ने लिविया की बांह अपनी ओर खींच ली और उसके मुंह को अपने मुंह की तरफ उठाकर उसके होंठ चूम लिए। उसी समय दरवाज़ा खुला और कीरो ने देखा सामने दहलीज में एक नौजवान खड़ा था। उसके बाल घने और घुघराले थे। उसकी आंखों में कुछ सोया सोया सा लगता था। उसकी नाक छोटी थी, होंठ बहुत भरे थे और कीरो को लगा कि लिविया कुछ घबरा सी गई। आइए, दहलीज में खड़े हुए नौजवान ने कहा। अपनी आवाज़ गहरी और भरी हुई थी। कीरो को ऐसा लगा मानो यहाँ कुछ खतरा हो, पर वो संभल कर बोला, हम अपने लिए घर तलाश करने आए हैं। थोड़े दिनों में हमारा ब्याह होने वाला है। कमरे में जाकर कीरो ने लिविया की ओर देखा और फिर लिविया से अपने संबंध की और अपने अधिकार की एक पुष्टि सी करते हुए उसने लिविया से पूछा, मेरे होठों पर लिपस्टिक लगी हुई है? नहीं, लिविया ने लजाते हुए उत्तर दिया। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने आज लिपस्टिक नहीं लगाई थी, लिविया ने कहा और कमरे की छत की ओर देखने लगी। छत अच्छी थी, दीवारें साफ थी और कमरे में लंबी पीठ वाली कुर्सियां पड़ी हुई थी। आप, कीरो ने बड़े ध्यान से इपलिटो की ओर देखा।
मैं फिल्मों में काम करता हूँ, कहानियाँ लिखता हूँ। आप डायरेक्टर भी हैं? लीविया ने दिलचस्पी से पूछा। जब कभी अपनी फिल्म बनाऊंगा तब डायरेक्टर भी हो जाऊंगा, अभी नहीं। वो हंसने लगा। फिल्मों में कुछ भी हो जाना आसान होता है, आसान लगता है। पीरो ने पास से ही ज़रा खींच के कहा, ये सोने का कमरा बड़ा नहीं है पर बैठक बहुत खुली है। नौजवान ने कहा और फिर कीरो को बैठक दिखाई। वो सचमुच बहुत खुली थी, पर एक खिड़की में से इपोलिटो का अपना कमरा भी दिखाई देता था। उसमें एक बहुत बड़ा पलंग पड़ा हुआ था। आप तो अकेले नहीं रहते, आपकी पत्नी भी। कीरो ने गौर से पलंग की ओर देखा। मैं अकेला रहता हूँ, बहुत बड़े पलंग पर सोना मुझे अच्छा लगता है। वो दूसरे सोने का कमरा बड़ा नहीं पर हमारे लिए वो बहुत ठीक है, पास से ही लीविया ने कहा। कीरो समझ नहीं पा रहा था कि इपोलिटो की भारी और सोई सोई सी दृष्टि की उसके भीतर एक प्रकार के खींच को जगा रही थी, और वो ये भी नहीं समझ पा रहा था कि लीविया को ये जगह क्यों इतनी पसंद आ रही थी। लीविया से अपने संबंध को और अपने अधिकार को दोहराने की उसे मानो सख्त ज़रूरत आ पड़ी थी। उसने लीविया की कमर के गिर्द अपनी बाहें लपेट दी और उससे पूछा, तुम्हें ये मकान पसंद है? बहुत पसंद। और उसकी पसंद को स्वीकार करने के लिए कीरो ने लीविया की गर्दन चूम ली। टेलीफोन की घंटी बज रही थी। इपोलिटो टेलीफोन सुनने के लिए चला गया और लीविया ने घुटी हुई सी आवाज़ में कीरो से कहा, ऐसे अनजान लोगों के सामने तुम इस तरह क्यों करती हो? बैठक में बहुत बड़ी बड़ी खिड़कियाँ थीं, फर्श का रंग बहुत दूधिया था, कुर्सियों पर लाल और काली धारियों वाला कपड़ा चढ़ा हुआ था, सागौन की लकड़ी चमक रही थी, किताबों वाली अलमारी लोहे की थी, और कमरे के एक कोने में मेज पर टाइपराइटर रखा हुआ था। बैठक सचमुच बहुत अच्छी है, कीरो ने कहा। बहुत ही अच्छी, लीविया ने उत्साह से उत्तर दिया। इपोलिटो कमरे से लौट आया। कीरो लीविया से सलाह कर चुका था कि उन्हें यह मकान ले लेना चाहिए। मैं टेलीफोन कर दूं कि मैं दोपहर खाने के लिए बोर्डिंग हाउस नहीं आऊँगा, कीरो ने कहा। टेलीफोन बाहर बरामदे में रखा हुआ है, इपोलिटो ने बताया। कीरो कमरे में इपोलिटो और लीविया को जब अकेले छोड़कर बाहर बरामदे में जाने लगा तो उसे कुछ घबराहट सी हुई, पर फिर उसने देखा कि बाहर बरामदे में टेलीफोन के सामने एक बड़ा शीशा लगा हुआ है जिसमें से इस कमरे में खड़ी हुई लीविया उसे दिखाई दे रही थी। कीरो ने नंबर मिलाया और फिर सामने के शीशे में देखा। लीविया ने आगे बढ़कर इपोलिटो के सीने पर अपना हाथ रख दिया था, फिर उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा था और फिर तेज़ी से उसे एक बार चूमकर परे हट गई थी। कीरो के हाथ शीतल हो गए। टेलीफोन उसने वहाँ ही छोड़ दिया और कमरे में लौटते हुए कहने लगा, मुझे काम याद आ गया है, मुझे अभी अभी वापस जाना है। मकान के बारे में हम आज फैसला नहीं कर सकते। लीविया को अपनी गाड़ी में बिठाकर कीरो चुपचाप गाड़ी चलाता रहा। कितना समय बीत गया तब कीरो ने अचानक गाड़ी रोक ली। ये सारी बात मेरे साथ एक धोखा थी, कीरो ने गुस्से से कहा। धोखा? कौन सी बात? तुम अपने प्रेमिस के पास आकर रहना चाहती थी,
तो मुझे किस लिए? कौन प्रेमी? तुम्हारा ख्याल है कि मैंने तुम्हें देखा नहीं? तुमने उसके गले में जब बाहें डाली थी, उसके होंठ चूमे थे। किसके? इपोलिटो के? तुम उसका पूरा नाम क्यों नहीं लेती? क्योंकि मुझे उसका नाम मालूम नहीं। तुम्हारा मतलब है कि तुम्हें अपने प्रेमी का नाम मालूम नहीं? वो मेरा प्रेमी नहीं। लीविया और कीरो के बीच एक खामोशी छा गई। लीविया ने बड़ी ठहरी हुई और संभली हुई आवाज में इस खामोशी को तोड़ा, कहने लगी, मैंने आज से पहले इस इपोलिटो को कभी नहीं देखा। उसने जब दरवाज़ा खोला था, उसने देख लिया था कि दरवाजे के बाहर खड़े हुए तुमने मुझे चूमा था। उसने समझा था कि मैं कोई अच्छी औरत नहीं हूँ, इसलिए भीतर आते हुए उसने तुम्हारी आँख बचाकर मेरा हाथ दबाया था। मैं अवसर देखकर तुमसे कहने वाली थी कि आओ यहाँ से चले, कि उसके सामने तुमने मुझे फिर से एक बार चूम लिया। सो जब तुम टेलीफोन करने के लिए गए तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं समझा सकती। मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं समझा सकता। मैं तुम्हें बिल्कुल समझ नहीं सकता लीविया। तुमने मेरा अपमान किया था। तुमने मुझे केवल एक वस्तु समझा था, एक ऑब्जेक्ट। इस समय मेरे सामने इपोलिटो के स्थान पर चाहे कोई बूढ़ा आदमी होता, या कोई दैत्य होता, या कोई कोढ़ी, मैं इसी तरह चूम लेती। ये मैंने तुम्हारी वजह से नहीं किया, ये मैंने अपनी वजह से किया था। मैं अपने आप को ये बताना चाहती थी कि मैं मात्र एक ऑब्जेक्ट नहीं हूँ। कीरो ने गाड़ी धीमी गति से चला दी और फिर धीरे से लीविया से पूछा, तुम फिर कभी इस इपोलिटो से मिलोगी? मैं उससे किस लिए मिलूंगी? मैंने उसे मात्र ऑब्जेक्ट बनाया था, जैसे तुमने मुझे बनाया था। मैं उससे फिर कभी नहीं मिलूंगी।